कोविड को लेकर अब पूरी दुनिया में स्थिति थोड़ी गंभीर होती जा रही है, इसलिए आज का जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट शो है उसे आप ध्यान से देखिएगा। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम चीन से आई उन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिसने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें चीन के एक अस्पताल की हैं जहां आप पीपीई किट में कुछ डॉक्टरों को और मेडिकल स्टाफ को कोविड मरीजों को सीपीआर देते हुए देख पाएंगे। जमीन पर लेटाकर ही ये सीपीआर दिया जा रहा है और ये हालात चीन के सिर्फ एक अस्पताल के नहीं है बल्कि चीन के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अस्पतालों में यही हाल है और वहां पर कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हो चुका है। वहां लोग अस्पतालों में भर्ती होने के लिए डॉक्टरों से और बड़े बड़े अफसरों से एक तरीके से भीख मांग रहे हैं, सिफारिशें करवा रहे हैं। अस्पतालों में अब वहां जगह नहीं बची, दवाइयां खत्म होती जा रही हैं, यहां तक कि जो लोग मर चुके हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए भी लंबी वेटिंग लिस्ट है। हम चीन के मौजूदा हालात के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन पहले आपको अपने देश भारत के बारे में बताते हैं। जो जानकारियां आज आपके लिए सबसे काम की जानकारियां हैं पहले आपको वो बताते हैं। कोविड के जिस नए वेरिएंट से चीन में लाखों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, उस वेरिएंट ने अब भारत को भी डराना शुरू कर दिया है। भारत में आज इस वेरिएंट के, जिसका नाम है BF.7, भारत में इस वेरिएंट के 4 नए मामले आज मिले हैं, जिनमें 2 मामले गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा में मिले हैं और 1 मरीज उड़ीसा का है और चौथे मरीज के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं आई है। तो कुल मिलाकर 4 केसेस भारत में इस नए वेरिएंट के आ गए हैं और अहमदाबाद, वडोदरा, उड़ीसा और चौथी जगह के बारे में अभी जानकारी नहीं है लेकिन 4 केसेस हैं। ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, हो सकता है इससे कहीं ज्यादा केसेस इस समय भारत में हों। भारत में इस वेरिएंट का पहला मरीज अक्टूबर के महीने में मिला था और उसके बाद अब इन नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें जो महिला गुजरात के वडोदरा में इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुई है उस महिला की उम्र है 61 वर्ष और वो 9 नवंबर को अमेरिका से भारत आई थी। तो काफी संभावना है कि उसे ये इंफेक्शन हो सकता है अमेरिका में हुआ हो या फिर आते हुए जब वो फ्लाइट में थी तब हुआ हो, ये भी संभावना है। इसका मतलब ये वायरस, ये जो नया वेरिएंट है, ये हो सकता है बाहर से भारत में अंदर आया हो। इसके अलावा जो व्यक्ति ओडिशा में इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुआ वो अब भी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि ये सभी लोग आज से लगभग 1 महीने पहले कोविड से संक्रमित हुए थे लेकिन हमें ये पता लगाने में लगभग 1 महीना लग गया कि इस संक्रमण के पीछे पुराना नहीं बल्कि नया वेरिएंट है और यह वही वेरिएंट है जो इस समय चीन में लोगों को मार रहा है। कहने का मतलब यह है कि नए वेरिएंट का पता लगाने की प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी है जिसकी वजह से आज कोई भी साफ तौर पर यह नहीं कह सकता कि आज भारत में इस वेरिएंट के सिर्फ 4 ही मरीज हैं या इससे ज्यादा है क्योंकि हो सकता है ये संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो। असल में कोविड के नए वेरिएंट की पहचान कोविड के टेस्ट से नहीं होती और जब कोई संक्रमित व्यक्ति अपना कोविड टेस्ट कराता है तब टेस्ट रिपोर्ट में सिर्फ ये पता चलता है कि उसे कोविड का संक्रमण है या नहीं, या तो वो कोविड नेगेटिव होता है या कोविड पॉजिटिव होता है। यानी जो कोविड का टेस्ट है वो वायरस का तो पता लगा लेता है लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाता कि मरीज इसके नए वेरिएंट से संक्रमित हुआ है या पुराने वेरिएंट से संक्रमित हुआ है और इसका पता उस वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करके लगाया जाता है और जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया लंबी होती है और ये जांच बहुत कम लैब्स में होती है। इसके लिए कुछ खास लैब्स निर्धारित हैं और यही वजह है कि कोविड का नया वेरिएंट इस रेस में हमसे बहुत आगे है और हम तो आपसे ये कहेंगे कि आपको यह मानकर चलना चाहिए कि यह वेरिएंट आपके आसपास भी मौजूद हो सकता है। इस नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन BF.7। नाम याद रख लीजिए BF.7। थोड़े दिन के बाद शायद ही आपसे पूछेगा, नाम तो आपने मेरा सुना ही होगा BF.7।